एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। देखो आपके 1 से 10 तक के प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। अभी हम मेथड काम में ले रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि 5 आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के दोस्तों हम आगे फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 5 5 ही रहेगा। 6 के हमने फैक्टर किए, देखो क्या आ गया आपके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एलसीएम। अब दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा कोई फैक्टर जो यहाँ भी हो यहाँ भी हो? तो आप कहेंगे नहीं, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एलसीएम क्या बनता है, इन सब फैक्टर का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया दोस्तों आपका 30। तो यहाँ पर यह आपका एलसीएम है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि डायरेक्ट उन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ के स्क्वायर रूट इत्यादि के खूब सारे वीडियो आए हुए हैं। थैंक यू।